we have been meditating on Philippians chapter 4 verse 4. फिलिपियों चैप्टर चार वाक्य चार के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, मनन कर रहे थे. फिलिपियों चैप्टर चार वाक्य चार. Philippians 4 verse 4. Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. प्रभु में सदा आनंदित रहो. मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो. चैप्टर 3 वर्स 1. चैप्टर 3 वाक्य 1. Finally my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe. निदान है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो. वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है. So when we are in very good circumstances or situation, it is easy to rejoice. तो जब भी हम लोग के जो परिस्थिति वो अच्छे होते हैं, तो उस समय आसान होता है कि हम लोग आनंदित रहें. When we get what we want, it is easy to rejoice. जब भी हमें वो सब चीजें मिल जाते हैं जिसकी हमें चाह है, तो बहुत ही आसान होता है आनंदित रहना. When we are difficult conditions, when we are in pains, when we are in sick bed, how can we rejoice? लेकिन जब हम लोग मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं, या दर्द में रहते हैं, या कोई बीमार होते हैं, बिस्तर पे लेटे होते हैं, तभी कैसे हम लोग आनंद मना सकते हैं? When did he apostle Paul wrote this sentence? ये जो वाक्य है, ये प्रेरित पौलुस ने कभी लिखा था? When he was in great pain and blood in his back and chains in his leg. ये उसने तभी लिखा था जब ही वो बहुत दर्द में था, उसके शरीर में से खून बह रहा था, उसका पीठ का जो चमड़ा था वो निकल गया था, और वो कैद में था. He was expecting even persecution for his life. तो वो इसकी आशा में था कि उसको execution. तो वो ये इसके आस लगाए बैठा था कि अभी थोड़े समय में उसको लोग उसको मारने वाले हैं. You see, how is it possible? तो हम लोग फिर सोच सकते हैं कि ऐसे परिस्थिति में कैसा वो ये वाक्य लिख सकता है, कैसे ये संभव है. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 says, rejoice always. पहला तेसलोनियों में लिखा है कि तुम्हें हमेशा आनंद मनाना है. John chapter 11 verse 35 says, Jesus wept. योहन्ना 11 उसमें वाक्य 35 कहता है कि प्रभु यीशु रोए. Here one place Bible says, rejoice always. यहाँ पे एक जगह पे बाइबल कहता है कि तुम्हें हमेशा आनंदित रहना है. Another place, Jesus wept. दूसरे जगह पे देखते हैं कि प्रभु यीशु रोए. Is it seems to be contradiction? तो ऐसा लगता है कि दोनों वाक्य एक दूसरे के विरोध है. No. नहीं, ऐसा नहीं है. Jesus who wept is full of joy. प्रभु यीशु जब ही रोए, तभी भी वो आनंद से भरे ही थे. If you see John chapter 15:11, he is full of joy. हम लोग योहन्ना चैप्टर 15 में देखते हैं कि कैसे वो आनंद से भरे हैं. He is source of our joy. तो वही हमारा आनंद का सूत्र है. So what it does mean? तो इसका मतलब क्या है? If you see Acts chapter 16 verse 25. तो अगर प्रेरितों के काम चैप्टर 16 उसमें वाक्य 25 में देखेंगे. When Paul and Silas inside the jail chains with their legs, he praised and worshipped, sang to God. तो हम लोग देखते हैं कैसे पॉलस और सिलास उस समय कैद में बंधे थे, और ऐसे परिस्थिति में भी वो लोग परमेश्वर की ओर स्तुति और आराधना कर रहे थे. How can we do that? तो कैसे ये लोग कर रहे थे ऐसे? So I want to say some reasons for that. तो मैं उसके लिए कुछ कारण बताना चाहूँगा. First thing, they forgot all their pains by keeping faith on the Lord. तो सबसे पहली बात यह है कि वो अपने सारे दर्द और मुश्किलों को भूल गए, क्योंकि वो लोग अपना जो विश्वास था परमेश्वर में रखा था. They have full trust in God. तो उनका जो पूरा भरोसा था परमेश्वर पे था. If we do worship, if we give thanks, if we pray, our eyes will be taken from our pain or problem to God. तो अगर हम लोग स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे और आराधना करेंगे, तो हमारी जो निगाहें हैं वो हमारे मुश्किलों से हटकर परमेश्वर के ऊपर आ जाती हैं.
Yes, my dear brothers and sisters, their mind and heart was fixed in the Lord. हाँ मेरे भाई और बहनों, उनका जो मन था, उनका जो हृदय था, वो दोनों परमेश्वर के ऊपर टिका था. In that condition, we can definitely praise God, thank God. और ऐसे परिस्थिति में हम लोग या ऐसे हालत में हम लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं. Just now we sang Habakkuk chapter 3 verse 17 and 19. अभी हमने ये गीत गाया हबक्कूक के किताब से. Even nothing is fruitful, I will praise God. भले मुझे कहीं पे भी कोई सफलता नहीं मिली, फिर भी मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा. Yeah, that is the real meaning of rejoice always. हाँ, यही अर्थ है या सही अर्थ है ये वाक्य का कि तुम्हें हमेशा आनंदित रहना है. Isaiah chapter 46 verse 9 and 10. यशायाह चैप्टर 46 वाक्य 9 और 10. यशायाह चैप्टर 46 वाक्य 9 और 10. Remember the former things old, of old, for I am God. There is no other. I am God. There is none like me. Declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done, saying, My counsel shall stand and I will do all my pleasure. प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं. मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है. मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई. मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा. Yes. Yeah, this, two verses in short we can say that God is in complete control. तो ये दो वचनों से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर पूरे पूरा नियंत्रण रखता है. If we believe God is in complete control, we can trust Him. तो हम लोग जब जीते हैं और ये याद रखेंगे कि परमेश्वर सब चीज के ऊपर नियंत्रण रखता है, तभी हम लोग उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं. Christian life is walk by faith. तो ईसाई जो जीवन है वो विश्वास से चलने वाला जीवन है. When we cross the road, if you catch the 3 years old child, he will not see buses or taxis or crossing the road. He only catch the hand of his daddy and cross without any difficulty. तो अगर रास्ता पार करते वक्त अगर कोई 3 साल का बच्चा रहेगा, वो कभी भी देखेगा नहीं कि कोई गाड़ी आ रहा है या नहीं आ रहा है. वो बस अपना माता या पिता का हाथ पकड़ेगा और सीधा चलेगा उनके साथ. He simply trust his daddy. क्योंकि वो बस एक साधारण सा विश्वास रखता है उसके पिता के ऊपर. Yes. We also become like that child. तो हमें भी उस बच्चे के जैसे बनना है. Jesus told us to become like child. प्रभु यीशु ने हमें एक बच्चे के समान बनने बोला है. Child in full or complete faith in Him. तो एक ऐसा बच्चा जो पूरी तरीके से अपने पिता के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है. Isaiah 43, यशायाह 43, यशायाह 43, verse 2. वाक्य दो. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी. जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी. Yes, God is with our all our afflictions. तो परमेश्वर हमारे साथ हमारे सारे मुश्किलों के बीच हमारे साथ होता है. He will help us to cross all the pains and strains. वो मदद करेगा कि हम लोग सारे मुश्किलें सारे दर्दों के बीच से गुजर सके. Psalms 34 verse 15 and 17, God hears our prayers. तो भजन संहिता 34 उसमें वाक्य 15 और 17 में लिखा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है. Not only hear, he is a hearer of our prayer, but answers also. तो वो सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं है, उनका उत्तर भी देता है. He will give answers to all our prayers. वो हमारे सारे प्रार्थनाओं के उत्तर देगा. Psalms 46. भजन संहिता 46, भजन संहिता 46. Verse 1. Please read, brother.
भजन संहिता 46 वाक्य 1, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। या जस्ट नाउ वी हैव सेंग द सॉन्ग, ही इज अवर स्ट्रेंथ, ही इज अवर रिफ्यूज, ही इज अवर फोर्ट्रेस। तो जैसे हमने अभी भी वो गाना गाया है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है। सो वी कैन गो टू हिम, वी कैन रन इन टू हिम फॉर हेल्प। तो इसलिए हम लोग उसके पास जा सकते हैं, उसकी ओर दौड़ सकते हैं मदद के लिए। Hebrews chapter 7 verse 25 says, Jesus Christ is always interceding for us. हिब्रानी 7:25 कहता है प्रभु यीशु हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। He is promised that I will not leave you, I will never leave you nor forsake you. उसने ये वादा दिया है कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी भी तुम्हें दुत्कारूंगा नहीं। I will be always with you till the end of the age. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा काल के अंत तक। He has died for us. वो हमारे लिए मरा है। He has forgiven all our sins. उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। He made us righteous. उसने हमें धार्मिक ठहराया है। He made us children of God. उसने हमें परमेश्वर का बच्चा बनाया है। What else do we need, brothers and sisters? और क्या चीज की जरूरत है हमें भाई और बहनों? Only trust in him. सिर्फ अभी उस पर भरोसा रखना है। In all things. सारे मामलों में। Give thanks always for all things to God. This is the will of God for you. हमेशा धन्यवाद देते रहो हर एक चीज के लिए, यही है परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए। If we have such a God. अगर हमारे पास ऐसा परमेश्वर है। If we have such a God is with us. और अगर ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है। What else we need? हमें और क्या चीज की जरूरत है? Yes, we will trust in him. We will humble ourselves before him. Then God is near by us. तो हम लोग उसपे भरोसा रखेंगे और खुद को नम्र करेंगे तो फिर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर कार्य करेगा वो। If we see the life of many godly men and women. और अगर हम लोग कई सारे धार्मिक पुरुष और स्त्रियों के जीवन को देखेंगे। In difficult conditions they have praised God. वो सभी लोग बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के बीच भी परमेश्वर की स्तुति करते थे। Many of the songs written in a very difficult conditions. कई सारे जो गीत उन्होंने लिखे थे वो सब मुश्किल परिस्थितियों के बीच उन्होंने लिखे थे। Many of the epistles are written in very difficult conditions. कई सारे जो पत्र हैं प्रेरितों के वो सब मुश्किल परिस्थितियों के बीच लिखे गए थे। So what shall we do? तो हमें क्या करना है? We trust in him. हम लोग उस पर भरोसा रखेंगे। Romans 8 verse 28 and 29 says. रोमियो 8:28 और 29 कहता है। God will make all these afflictions to change us like Jesus. परमेश्वर सारी मुश्किलों को इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि वो हमें प्रभु यीशु जैसे बना देगा। These afflictions are momentary. ये सारे जो मुश्किलें हैं वो थोड़े समय के लिए हैं। So let us rejoice always in the Lord. तो इसलिए हमें हमेशा आनंदित रहना है प्रभु में। God will help us. और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। आमीन। आमीन।